Hi everyone, welcome back to my channel, The Happily Exhausted Mama. I'm Shayoni, I'm a first-time mom to a 9-month-old baby boy. And if you haven't already subscribed to my channel, please subscribe to my channel, like my videos, comment down below what you would like to see from me next. Now, with those introductions out of the way, let us start with today's topic. और आज मैं थोड़ा अलग करने वाली हूँ. आज मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करने वाली हूँ, क्योंकि आई गॉट अ फ्यू रिक्वेस्ट आस्किंग कि मैं क्या अपने वीडियोज़ हिंदी में बना सकूँ. मेरी हिंदी अनफॉर्चुनेटली उतनी अच्छी नहीं है ताकि मैं पूरी वीडियो हिंदी में बना सकूँ. सो आई विल ट्राई एंड मिक्स बोथ सो दैट बोथ द ऑडियंसेस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो आज की मेरी वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर है. आई हैड अ सर्टेन मेडिकल कंडीशन जो एक्चुअली बहुत लोगों को होती है. यू माइट नॉट हैव हर्ड ऑफ इट अनटिल यू गॉट प्रेग्नेंट और यू हैड दिस कंडीशन. सो आई वॉन्ट टू टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट ये कंडीशन क्या होता है, मुझे कैसे हुआ, कैसे पता चला, वॉट डिड आई डू आफ्टर दैट. एंड डोंट वरी, इट्स अ पॉजिटिव स्टोरी. सो इफ़ यू थिंक दैट यू विल गेट सैड आफ्टर द स्टोरी और वट एवर, नथिंग लाइक दैट. सो स्टार्टिंग विथ वॉट इज सबकोरियोनिक हेमरेज. सबकोरियोनिक हेमरेज, इसको सबकोरियोनिक हेमेटोमा भी बोला जाता है. बेसिकली इट्स लाइक अ ब्लीडिंग और अ ब्लड क्लॉट बिटवीन योर यूटरस वॉल्स एंड द लाइनिंग और द मेम्ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो. हिंदी में बोलूँ तो यूटरस जहाँ पे बच्चा होता है, यूटरस के अंदर और बच्चे के बीच में, बच्चे के जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग होता है बच्चे के ऊपर, उस कवरिंग और यूटरस की वॉल्स के बीच में आपका थोड़ा ब्लड क्लॉट, ब्लड लॉस ऐसा होता है. और इन अ लॉट ऑफ केसेस दिस कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से आपको एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो रहा है. काफ़ी केस में ये सिर्फ इंटरनल होता है, देर इज़ नो एक्सटर्नल ब्लीडिंग. सो मेरे केस में ये सिर्फ इंटरनल ब्लीडिंग था, मुझे कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हुआ है. वन एडवांटेज, नॉट एडवांटेज बट इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यू कैन डिटेक्ट इट दैट यू हैव समथिंग इज़ रॉन्ग. बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग सिर्फ इस कारण नहीं होता है. देर आर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स विच कैन लीड टू एक्सटर्नल ब्लीडिंग ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. सो मेक श्योर यू गो टू अ डॉक्टर इफ यू एवर हैव एनी केस ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग. So for me, my subcutaneous hemorrhage detection happened pretty early in the pregnancy. तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड मैं डॉक्टर के पास गए. And the doctor said everything is fine. She did a general checkup and she said that why don't you get your first scan done in a couple of weeks time. उसके बीच में मुझे travel करना था. So I had to travel from Bangalore to Calcutta and my doctor gave me a green signal. She said traveling is fine. If you take precautions, she also gave me progesterone tablets to take during the days that I would be flying and to take care of myself once I reach there, to not overexert myself. Zyada kuch nahi karne ke liye bola taki main safe rahu wahan pe. Mujhe fly karne ke liye allow kiya ki main ja sakun Calcutta, par wahan pe apne aap ko zyada tired na karo, zyada nahi ghoomo, rest lo, bahar ka khana kam khao, ye sab bol diya. So we were fine. We were a little tensed ki itni early pregnancy mein should we be flying in the first place. Also the tickets were booked, everything was done, so we thought why not, it's fine, people fly all the time during pregnancies, so we will be fine. So travel karne se kuch din pehle suddenly raat ko, I think kareeb around 3 AM at night, raat ko 3 baje mujhe ulti hui. So I vomited, mujhe bahut pet dard hua. So once my stomach started paining, I got a little scared. तो मुझे लगा कि something is wrong and I informed the doctor the very next day. और अगली सुबह डॉक्टर ने बोला कि then you get a USG done, an early scan done. So I did an early pregnancy scan और वहाँ पर the doctor told me कि you have a hemorrhage. Go to your own doctor, show her the scan and she'll tell you what is happening. तो हम लोग तो बहुत ही nervous हो गए. हम सोच रहे कि क्या होगा, हाउ बैड इज़ दिस, वी हैड नो क्लू, वी हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस टर्म बिफोर. एंड वी वेंट टू द डॉक्टर. द डॉक्टर इमीडिएटली सेड कि आई शुड नॉट बी ट्रैवलिंग, शुड नॉट बी फ्लाइंग, दैट कुड बी टू रिस्की. तो उन्होंने मुझे ट्रैवलिंग करने के लिए मना कर दिया. उन्होंने बोला कि यू कैन कंटिन्यू विद वर्क. आई वॉज स्टिल वर्किंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैं काम पे जा रही थी. सो शी सेड जस्ट गो टू वर्क, कम बैक होम, डोंट एग्जर्ट योर सेल्फ. She told me not to lift any heavy things, not to do any type of heavy physical exercise, do not clean things. तो ये सब करने के लिए मना कर दिया. मतलब कुछ भारी नहीं उठाने का, कोई ज़्यादा काम नहीं करने को, कुछ साफ़ वगैरह ये सब. She told me not to do all these things. So I followed those instructions. But
it was extremely scary. And I know if you have this condition watching this video, it is scary when you are told ki aapko kuch aisa kuch hua hai. Also, when you read about it online, you will find that a lot of these cases end up having miscarriages. Ye ek bahut hi कॉमन इफेक्ट है इस सबकॉर्निक हेमरेज या हेमाटोमा का. सो वी वर वेरी वेरी स्कैर, वी वर सैड. दिस इज़ अ रीज़न वाई हम लोगों ने बहुत लोगों को नहीं भी बोला कि हम लोग लाइक आई एम प्रेगनेंट, बिकॉज वी डेंट इवन नो कि वेदर वी वुड गो टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर. मैं ज़्यादातर बेड रेस्ट पे थी, मैं काम पे जाती थी, पर वापस आके नो. सो देर वॉज नो मूवी आउटिंग्स, नो ईटिंग आउट, नो मीटिंग फ्रेंड्स, नथिंग लाइक दैट. तो मेरा लाइफ काफ़ी बोरिंग हो गया था, बट वी न्यू दैट कीपिंग द बेबी सेफ इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऐसा चलता गया. मैंने पढ़ा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एंड में ये बहुत लोगों को ठीक हो जाता है. सो आई ऑल्सो वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि स्कैन होगा और सब ठीक होगा, बट नहीं हुआ. बट बिकॉज माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज ओवर एंड इट हैड स्टार्टेड डिसअपियरिंग लिटिल बाई लिटिल, तो ऐसे होता है कि ओवर नाइट तो चला नहीं जाता है, इट स्टार्ट्स हीलिंग स्लोली. सो फर्स्ट फ्यू स्कैन्स इट वॉज़न्ट रियली हीलिंग, लाइक एक तरफ छोटा होता था अदर तरफ बढ़ जाता था. बट स्लोली वंस माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर वॉज ओवर, इट इट स्टार्टेड बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. एग्जैक्ट साइज आपको स्कैन पर दिया जाता है कितना बड़ा है द क्लॉट. द बिगर इट इज़ द मोर रिस्क देर इज़ द मोर इम्प्लीकेशंस ऑफ हैविंग अ बिगर क्लॉट. तो ऐसा चलता गया. आई देन फाइनली फ्लू टू कैलकटा बिकॉज मुझे मेरी डिलीवरी यहाँ होने वाली थी. तो आई हैड टू मीट द डॉक्टर who was here. I wanted to come to my parents, stay with them for a month. My in-laws had already gone prior to that and taken care of me so that mujhe kuch kaam nahi karna pada. So that way I was very very lucky. So once I came to Calcutta, uske baad main wapas gayi till my fifth month actually in my scans the hemorrhage showed. And we were quite upset about it. We were like, how long will this keep showing up? और बट 5 महीने बाद फाइनली मेरा वो हेमरेज कम्प्लीटली चला गया, कोई साइंस नहीं था. सो इट मी अ होल 5 मंथ्स टू गेट रिड ऑफ दैट हेमरेज. द ओनली पॉजिटिव थिंग एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड रिमेंबर इज दैट इफ यू सर्वाइव दैट प्रेगनेंसी और इफ योर बेबी सर्वाइव दैट प्रेगनेंसी, देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन द बेबी. तो बेबी के ऊपर कुछ असर नहीं होता है इस चीज़ का. There is no proof to show ki the baby will be affected by this in any way, kyunki ye baby is protected by that membrane, so it doesn't affect the baby. So if you have a successful pregnancy, a successful childbirth, do not worry that this will impact your baby in any way whatsoever. I wanted to make this video because maine jab ye mujhe ye pata chala, I got a lot of information in terms of medical journals and stuff like that, पर मुझे कोई video नहीं मिला जहाँ पर कोई share कर रहा था कि उनको हुआ है और उनको क्या हुआ. And it was very, it would have been very reassuring to hear someone have this condition and then come out of it successfully. And that is the whole reason why I am sharing such a personal experience with you, so that you don't feel alone कि आपको ये हुआ है तो क्या होगा. Later on I got to know a friend also who had this in her second pregnancy. She didn't have this in her first pregnancy, so and she also went on to have a successful pregnancy. She also has a baby boy. And so what I want to say is that don't take stress. Listen to all the instructions by your doctor. Don't try doing things on your own. Don't think that you are strong enough to do things on your own. Don't listen to what anyone else tells you. आपकी डॉक्टर की सुनो. डॉक्टर जो भी एडवाइस देती है उसको फॉलो करो. हैव ऑल द मेडिसिन्स अ डॉक्टर टेल्स यू टू. आई वॉज ऑन प्रोजेस्ट्रॉन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक इंटायर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फिर उसके बाद भी कुछ दिन मैं प्रोजेस्ट्रॉन पे थी टिल माई क्लॉट डिसअपियर कम्प्लीटली. प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प्स टू सस्टेन अ प्रेगनेंसी, सो दैट वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड. So I did all those things and thankfully by God's grace everything turned out well. अब जब याद करती हूँ कि पिछला साल मेरा कैसा था, the only thing is I'm still in lockdown. I was in lockdown then also, but this is a much peaceful, mental peace ज़्यादा है क्योंकि I have my baby with me now and he's all fine. So I hope the same for you too. Have a very happy, healthy pregnancy and I will see you soon.